गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम डॉक्टर आशीष सैनी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रोस्टेट डिजीज़ अवेयरनेस मंथ के बारे में। सो मंथ ऑफ जो सितंबर है, दैट इज़ नोन एज प्रोस्टेट डिजीज़ अवेयरनेस मंथ। तो प्रोस्टेट के डिजीज़ के बारे में हम इसमें अवेयरनेस फैलाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है तो उस एक टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि हम प्रोस्टेट कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं जब वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे होता है। बहुत सिंपल टेस्ट है और उस टेस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस टेस्ट का क्या नॉर्मल वैल्यू होता है, कब वो बढ़ जाता है, कब कम रहता है और कब वो कैंसर के तरफ इशारा करता है, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। जो वो टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम है PSA। PSA स्टैंड्स फॉर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। PSA क्या होता है? PSA एक तरह का प्रोटीन है जो कि प्रोस्टेट से सिक्रीट होता है और इसके दो फॉर्म होते हैं। कुछ ये सीमन के अंदर प्रोस्टेट PSA पाया जाता है और कुछ ब्लड में भी पाया जाता है। तो जो PSA है उसकी जो वैल्यू होती है, अब अगला सवाल ये आता है कि भाई प्रोस्टेट में PSA टेस्ट हमें कब कराना चाहिए। तो अगर आपको प्रोस्टेट की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि बार बार यूरिन करने के लिए उठना, जल्दी जल्दी जाना, यूरिन को नहीं रोक पाना, रात में अगर आपको यूरिन करने के लिए दो से अधिक बार उठना पड़ रहा है, अगर आपकी पेशाब की धार जो है वो कमज़ोर हो गई है, अगर यूरिन में आपको कभी ब्लड आया है, तो इन सब में हर पेशेंट को, अगर उसकी उम्र 45 से ज़्यादा है तो उसको PSA का टेस्ट करना चाहिए। अगर आपके इसके अलावा अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है कि प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें भी, उनमें ईयरली फिर PSA करा जाता है कि 45 की उम्र के बाद जो है PSA टेस्ट करना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि भाई PSA की क्या नॉर्मल वैल्यू होती है। तो बेसिकली देर इज़ नो नथिंग विच इज़ नोन एज नॉर्मल इन PSA। जो एक फिगर दी जाती है वो ये फिगर है कि जो अगर PSA 4 से कम है तो वो नॉर्मल है और अगर 4 से ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल है। ये एक फिगर है। कभी कभी PSA 2 या 3 पे भी गड़बड़ हो सकती है और जो नई रिसर्च आती है वो कह रही है कि हो सकता है कि 2.5 या 3 को हम नॉर्मल माने, 4 को ना माने। तो अगर PSA टेस्ट कैसे करते हैं, वो ब्लड से लिया जाता है, सिंपल है। आप जो नॉर्मल जैसे अपना CBC कराते हैं ऐसे ही PSA का टेस्ट हो जाता है। तो इसमें कोई इन्वेजिवनेस नहीं है, आप नॉर्मल स्क्रीनिंग में या अपना जो अगर जो चेकअप कराते हैं उसमें आप PSA करा सकते हैं। तो PSA टेस्ट अगर लेस देन 4 है और मोर देन 4 है तो उसका क्या मतलब है? अगर लेस देन 4 है तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावनाएं कम हो जाती हैं। 4 से 10 के बीच में जो संभावना होती है वो एक में, एक अगर 4 पेशेंट में हम कराते हैं तो एक में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25% चांस है अगर PSA 4 से 10 के बीच में है तो प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अगर PSA 10 से ऊपर है तो ये चांस 50% हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत ही बिल्कुल भी अपना समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए और तुरंत ही यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, यूरोन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और PSA जो होता है वो दो तरीके से प्रेजेंट करता है PSA। अब कुछ ये भी सवाल करते हैं कि भाई नॉर्मल PSA भी होता है, PSA क्यों बढ़ता है? तो PSA जो है वो कई कारणों से बढ़ता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर के अलावा अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन है जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, उसमें भी PSA बढ़ सकता है। इसके अलावा नॉर्मल एजिंग में, जैसे कि अगर एक PSA 4 जो PSA है वो नॉर्मल हो सकता है 55 की एज में, लेकिन अगर किसी की उम्र 75 साल है तो वो अगर PSA 5 भी है तो वो भी नॉर्मल है। तो ये एज स्पेसिफिक जो होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे PSA की वैल्यू बढ़ती है। तो एज स्पेसिफिक PSA होता है जिसको कि हम देखते हैं कि भाई ये इसके एज के हिसाब से इसका PSA नॉर्मल है कि नहीं है। इसके अलावा जो होता है PSA नॉर्मल एजिंग में, जैसे मैंने बताया, बढ़ सकता है, प्रोस्टेट इन्फेक्शन में बढ़ सकता है, प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ सकता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें प्रोस्टेट BPH अगर है आपको, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, तो उसमें भी PSA बढ़ सकता है। तो इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट होता है कि PSA बढ़ने पर घबराएं नहीं। कुछ होते हैं पेशेंट्स की भाई PSA का टेस्ट कराया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भाई ये हो सकता है कि हमें कैंसर हो गया। तो इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है, आपको हुआ नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि PSA अगर बढ़ा हुआ है तो जल्द से जल्द आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। इसके अलावा प्रोस्टेट PSA जो है कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस वाली स्टेज में ही बढ़ जाता है।
कभी कभी अगर आपने कुछ लोग जैसे लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करते हैं तो उसमें प्रोस्टेट में कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि PSA बढ़ सकता है। अगर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया गया है तो PSA बढ़ सकता है, कोई सिस्टोस्कोपी करी है तो भी PSA बढ़ सकता है। तो किसी भी कारण से जिसमें कि प्रोस्टेट का थोड़ा मैनिपुलेशन हुआ है उसमें PSA बढ़ सकता है। अगर आपने इजैकुलेशन किया है तो भी कभी कभी PSA बढ़ जाता है, पर जो उसका राइज होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें। तो ये PSA के ऊपर इम्पॉर्टेंट है। फिर जो अब दूसरा एक सवाल है कि PSA के क्या टाइप्स होते हैं। PSA जो है वो दो तरीके से प्रेजेंट करता है, फ्री PSA क्या होता है, टोटल PSA क्या होता है। तो कुछ जो मात्रा होती है फ्री PSA की, वो फ्री PSA की जो मात्रा होती है वो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट में कम हो जाती है। तो फ्री और टोटल का जो रेशो होता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर की संभावनाएं ज़्यादा हैं तो इसको प्रोस्टेट बायोप्सी करनी पड़ेगी, अगर इसकी कम है तो उसको वह कम करनी पड़ेगी। तो PSA अगर फ्री PSA अबॉन टोटल PSA का जो रेशियो है अगर वो लेस देन 10% है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है प्रोस्टेट कैंसर होने की, तो उसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए और तुरंत ही जो है अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है आपको। अगर ये वैल्यू मोर देन 25 है तो ज़्यादातर केसेस में ठीक रहता है, लेकिन इट नीड्स अ क्लिनिकल सुपरविजन। इसमें अपने आप से आप तय नहीं कर पाएंगे कि भाई आपने आज डॉक्टर साहब ने बोल दिया डॉक्टर आशीष सैन ने कि फ्री PSA और टोटल करा लूं और रेशियो अगर इससे ज़्यादा है तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको बताने के लिए, जागरूक करने के लिए बताया जा रहा है कि फ्री PSA क्या होता है और टोटल क्या होता है। इसके अलावा बहुत आगे जाएंगे तो PSA वेलोसिटी होती है, हम देखते हैं कि PSA कैसे कैसे बढ़ रहा है, हर उम्र के हिसाब से हर महीने के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, PSA डबलिंग टाइम होता है, फिर 4K स्कोर टेस्ट है विच इज़ अ न्यूअर टेस्ट विच हैज़ कम फॉर प्रोस्टेट कैंसर। तो ज़्यादातर पेशेंट में जहाँ पे कि हमें डायलेमा होता है कि नहीं प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है, तो उनमें ये म्यूटेशन परम्यूटेशन और इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट किए जाते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर यू थ्रू आउट द डे एट एक्सेल एडवांस यूरोलॉजी सेंटर R13GK1 एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस मंथ टू क्रिएट अवेयरनेस। सो अगर आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आपके फादर में आपको लगता है कि किसी को दिक्कत है, तो तुरंत दिखाएं, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कि जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट कैंसर का क्योर इज़ अवेलेबल प्रोवाइडेड कि आप सही समय पे और सही उपचार कराएं और ठीक टाइम पे दिखाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।